गाइस वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो आज मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी कुछ हुआ, सारा कुछ पीछे छोड़ के, तो मुझे एक नई स्टार्टिंग करनी है। और अपने यूट्यूब चैनल के अलावा जो मैंने सोचा था कि मैं अपना एक साड़ी का बिजनेस करूँगी, साड़ी में काफ़ी सारी चीज़ें रखूँगी उसमें, तो आज मैं उसी के लिए जा रही हूँ। और मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा ऐसे ही रहती हो, नेगेटिव मतलब लगता है, तो मैं चाहती हूँ मैं खुद से भी अच्छी दिखूँ, मुझे खुद भी अच्छा फील हो, लाइक पॉजिटिव। तो आज मैंने साड़ी पहनी है और ये वो साड़ी है जो राजवीर जी ने मुझे गिफ्ट करी थी काफ़ी टाइम पहले। उनकी पसंद थी, मतलब वो कहते थे कि ये वाली साड़ी, ऐसी साड़ी पहना कर, ये पहना कर। तो मैंने उनसे बोला था कि आप मुझे लेके आना कि ऐसी साड़ी पहननी है। तो ये जो साड़ी है वो वही है जो राजवीर जी मेरे लिए लेके आए थे, तो वो भी मेरे साथ हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह, वो मैं आपको विजिट करवाऊँगी। और मैं खुश हूँ कि क्या छूटा क्या नहीं छूटा, पर कहते हैं ना कि सब कुछ ख़त्म होके ही एक नई शुरुआत होती है, तो मैं वही है, मेरी नई जर्नी स्टार्ट होगी। और बस भगवान करे बहुत अच्छी हो, क्योंकि मैं बहुत कुछ अच्छा सोच के आई हूँ और मैं चाहती हूँ ये बिज़नेस बहुत आगे तक चले। कहते हैं ना सब लोग अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं सोचती या फिर सब कुछ देती जा रही हो, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी जर्नी स्टार्ट हो ना, मेरे को वो नेगेटिव नहीं चाहिए, बस मैं पॉजिटिव, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो मैं चाहती ना कि मेरी लाइफ में वो चीज़ें आएँ कि आपने ये लिया, मैंने सब छोड़ दिया, मैं एक बिल्कुल कहते ना जड़ से स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मेरे बच्चों के लिए मेरे है इतने अंदर वजूद है मेरे अंदर कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो एक नई शुरुआत हो रही है और बस भगवान की दुआ से ये बहुत अच्छा चले और बहुत अच्छा कुछ हो। तो अभी चलते हैं हम और विजिट करते हैं। हेलो गाइस वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो अभी हम आ चुके हैं अजमीरा फैशन, तो अंदर विजिट करते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर। हाय नमस्ते जी। ये सब मैं काफ़ी दूर से आई हूँ और एक बहुत अच्छी आशा लेके आई हूँ कि मैं अपना एक खुद का बिज़नेस स्टार्ट करूँ, तो इसी वजह से आई हूँ। काफ़ी नाम सुना है आपका, अजमीरा फैशन। तो मैं एक्चुअली रील वगैरह देख रही थी, तो मैंने काफ़ी देखा अजमीरा फैशन बहुत कम प्राइस में कोई भी जो विमेन घर पर रह के भी अपना एक स्टार्टअप कर सकती हैं, रीज़नेबल प्राइस में, कम नहीं। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम हैं ग्वालियर से। ग्वालियर से जी, बहुत बढ़िया। और आपका ब्लॉग चैनल भी है? हाँ जी, स्नैपी गर्ल्स। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है और बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं हमारी आपको। आपने बिजनेस करने के लिए सोचा है, ये ही बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं। हालाँकि आप ब्लॉग चैनल ब्लॉग बनाते हैं अपने लिए, तो YouTube वगैरह से शायद इनकम होती ही होगी आपकी? होती है सर, बट हर किसी की लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल, मेरी जैसी एक्चुअली मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो मेरी जैसी लड़की बहुत कुछ फेस कर रही हैं कि हर किसी के पास देखो YouTube चैनल नहीं होता जी, और होता भी है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। मेरी दो बेटियाँ भी हैं और मैं ससुराल के उनके साथ में नहीं रहती हूँ, मैं सिंगल लाइफ जी रही हूँ अपनी, इतनी सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ कि मेरे दो चैनल भी थे, चार चैनल थे, तो दो चैनल भी गए मेरे ससुराल की तरफ, मतलब काफ़ी अच्छा सारी रीज़न है, मेरी ऑडियंस जानती है। तो मैंने तब ये डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब के अलावा भी काम करूँगी जिससे मैं अपनी बच्चियों को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ। ना आज मेरे पास घर है, ना मेरे पास आज कुछ है, एक यूट्यूब चैनल है, आप भी जानते हो उससे सब कुछ नहीं हो सकता जी, लेकिन वो भी एक बड़ी बात है, एक हाउसवाइफ के लिए भी ये बड़ी बात है, लेकिन आप तो सिंगल मदर हैं तो आपके लिए तो बहुत चैलेंजेस हैं, और उनके लिए अपने पांव पे खड़े होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप YouTube से अर्निंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा भी आपने कुछ सोचा है एक्सपेंड करने का कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ जीवन में करना है, बहुत अच्छी बात है और सभी के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि ये जीवन है, इसका किसी का भी कोई भरोसा नहीं है, तो हमें अपने आप को कुछ इस तरीके से एक डिपेंडेंसी से अलग रहना चाहिए। ठीक है, डिपेंड तो एक रहते ही हैं, अगर परिवार है तो सब आपस में मिलजुल के रहना भी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि कहीं भगवान ना करे कोई किसी तरीके का कोई भी ऐसा कुछ पुराने प्रारब्ध के चलते ही आया हो अपने ऊपर, तो उसमें से हमको बाहर निकला जा सके, ऐसी व्यवस्था कम से कम हम करके रख सकें। इसीलिए हम एक छोटी अमाउंट से भी अगर कोई
लेडीज़ कोई वुमेन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उनके लिए भी पूरा सपोर्ट है यहाँ पे। जो एक डीलर और होलसेलर के लिए जो प्राइस रहती है वही प्राइस हमारे यहाँ किसी के लिए भी है, अगर बिजनेस कोई करना चाहता है तो। आप भी मोस्ट वेलकम हैं, आपने ये सोचा है, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। मंगल भवन है वो, आने वाला समय और अच्छा हो आपके लिए, और उसमें अगर हमारा कहीं भी योगदान रह सकता है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपको ऐसा लगता है तो बच्चे हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर, हर तरीके से हम। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि किसके, मतलब बहुत सारी लेडीज़ रहती हैं तो अपना एक बजट जो रहना चाहिए, स्टार्टिंग जो रहती है बिजनेस की स्टार्ट करने की, वो मिनिमम कितने से स्टार्टिंग है कि हाँ इतने से आप कर सकते हो? वो अगर आप घर से करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पास लगाने के लिए कितना है। मैं किसी को भी जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको सबको मना करता हूँ, आप अपने पास जितना पैसा है उससे स्टार्ट करें, किसी से लेकर लोन लेकर के इस तरीके का काम बिल्कुल आप ना करें। भले ही आप 20-25 हज़ार रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, घर से एक कमरे के अंदर आप अपने प्रोडक्ट ले जाके रख लीजिए और अपने जो रिलेशन वाले हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, आपके जो यार दोस्त हैं जो सोसाइटी में रहते हैं, उन लोगों को आप बताइए कि मैं सूरत से कपड़ा लेके आई हूँ और इसको इस तरीके से मैं आपको रिजनेबल रेट में एक बार देने का प्रयास करें, तो धीरे 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 आपके पास अपनी ऑडियंस बढ़ती चली जाएगी, आपके कस्टमर्स बढ़ते चले जाएंगे और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का प्रयास करें। मतलब ये है कि हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं होता कि काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत पैसा चाहिए, लाखों में पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन और लोकेशन पर डिपेंड रहता है कि भाई क्या है, पर अगर कोई कम से भी स्टार्ट करना चाहता है कि मेरे पास तो 20-25 हज़ार रुपए ही है तो उतने में ही मुझे करना है तो वो भी कर सकता है, कोई इशू नहीं। जी तो मेन मैंने यही एक जो टॉपिक था आपका ये मैंने देखा था कि इतने पैसों में भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखो आपको भी पता है कि जब मेरे से ज़्यादातर जो जुड़ी हैं ना, मेरे जैसी लेडीज़ हैं, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ आप 25-30 हज़ार से भी अपना एक बिज़नेस छोटा सा स्टार्ट कर सकते हैं, जब वो बढ़ेगा उसका पैसा बचेगा फिर आप ज़्यादा लेके जाओ, ऐसे कंटिन्यू करके। देखिए रिफिलिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे ही 20-25 हज़ार रुपये का आप कपड़ा लेके जाते हैं तो आपका कुछ कपड़ा बिकेगा 10 हज़ार का या 15 हज़ार का, कुछ कपड़ा बिकेगा फिर कुछ रुकेगा, तो आपको उसको रिफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये समझ लें कि भाई 20-25 हज़ार का कपड़ा मैंने लिया है, अब तो बस ये 20-25 हज़ार बिकेगा तब मैं दूसरा कपड़ा आके लेके जाऊंगी, वो कभी भी नहीं होने वाला है। आपने उसको रिफिल करते रहना है। हाँ 10-15 हज़ार का बिका, आप बच्चे को फ़ोन कीजिए कि मेरे को इतना और चाहिए। और एक चीज़ और बोलता हूँ मैं, आप एक साथ 50,000-1,00,000 रुपए का ना ले जाएं, जो भी बजट आपका है। देखिए 25,000 बजट है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, उतना तो मिनिमम 20-25 हज़ार तो चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें से 10-20%, 25% आप सेफ रखें रिफिल करने के लिए, क्योंकि कस्टमर अभी आपके पास कम रहेंगे और वही कस्टमर जब 15 दिन बाद या 20 दिन बाद घूम के वापस आपके पास आए ना, तो उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं एक बार आया था तो उस समय जो स्टॉक पड़ा था वो का वही पड़ा हुआ है, वो सेम नहीं है, रिफिल हो गया, नया भी आ गया है, तो वो नया भी लेगा और पुराना भी लेगा। तो बस ये चीज़ का आप ज़रूर खास ख्याल रखें, और अगर 20-25 हज़ार से भी स्टार्ट करना है तो भी हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए और ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा, ऐसी हमारी उससे दुआ है, ऊपर वाले से आपके लिए प्रार्थना है, सब कुछ मंगल हो, सब कुछ अच्छा हो। गाइस अभी हम विजिट करने जा रहे हैं और साड़ियाँ, सबसे पहले साड़ी चेक करेंगे अपन, तो चलो गाइस कम आ जाओ। साड़ीज में मैम हमारे यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज है, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ डेली वेयर साड़ियाँ। यहाँ पे हमारे यहाँ 45 से साड़ी शुरू हो जाती है और प्रिंटेड आपको मिलने वाली है 99 रुपीज़ के साथ।
देखो गाइस, ये जो हमारी मम्मी वगैरह साड़ी पहनती है ना, सिंथेटिक साड़ी, वो है 45 रुपीस से साड़ी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे अपनी। yes, उसमें आपको फैब्रिक मिल जाएंगे, शिफोन दानी, मार्बल, जॉर्जेट, और अगर आपको वेटलेस चाहिए 60 ग्राम वो भी मिल जाएगा। okay, काफी सारी वैरायटी है यहाँ पे। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे प्रिंट हैं, और फैब्रिक देखिए मैम, सबसे पहले फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा स्लब है, और उसमें बहुत सारी, ये बिल्कुल सिंथेटिक साड़ी है। और भी देखो काफी सारी साड़ियां हैं यहाँ पे, ये देखिए पैकेजिंग भी आप देख सकते हो, अलग अलग तरह की पैकेजिंग है। ये पाउच पैकेजिंग है, वो लूज में मिल रही थी आपको, और बॉक्स पैकिंग भी आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी। इनफैक्ट इसमें आपको बांधनी स्पेशल मिल जाएगा। ओके, और कलर भी बहुत सारे हैं गाइस, बांधनी स्पेशल है। तो अभी और हम आगे चलते हैं। हाँ, ये सेकंड काउंटर है मैम, जो प्रिंटेड कैटलॉग साइड इसका काउंटर रहने वाला है। यहाँ पे इस तरह से आपको प्रॉपर कैटलॉग मिल जाएगा, जिसके अंदर मेंशन होता है कि आपको यहाँ पे 8 कलर्स मिलने वाले हैं। तो आपके जो भी कस्टमर होते हैं उनका बता सकते हो कि आपका लुक कुछ इस तरह का रहेगा अगर आप ये वाली साड़ियाँ परचेज करते हो, और इसमें ये सारे कलर्स रहेंगे मैम। यहाँ ये जो आप साड़ी देते हो आपको बॉर्डर मिलेगा, साथ ही आप डायमंड देख सकते हो। अब यहाँ पे ये वाला सी गाइस, आप लोग देखिए कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ, सिर्फ 200 रुपए से स्टार्टिंग है यहाँ पे। अब बहुत प्यारा पीस है, इसमें भी बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे। सिंगल पीस नहीं मिलता है, सब सेट टू सेट मिलता है, बिकॉज हम डील करते हैं दोस्तों बिजनेस के लिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने सोच लिया है बिजनेस करने का, तो हम तो इनसे अभी डील कर रहे हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं बिजनेस करने का, तो प्लीज़ आप इनसे डील कीजिए। मैं जैसे सन ने बताया था कि आप 25-30 हज़ार से स्टार्टिंग कर सकते हो, तो मैम ये इतने कम में कैसे हैं? एक्चुअली मैम हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। okay. हर एक चीज़ की, साड़ी, सूट, कुर्ती, किड्स वेयर, मेंस वेयर, लहंगा, ब्राइडल कलेक्शन, बॉटम वेयर, वेस्टर्न वेयर, और उसी के साथ दुपट्टे, सारी वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। यस मैम, हमारे यहाँ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हमारे खुद के यहाँ बनती है, इसलिए यहाँ पे इतना सस्ता। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैम, अब हम देखेंगे कुछ वर्क वाली साड़ी। और यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अभी मैम यहाँ पे खड़े हैं, ये यहाँ पे वीडियो कॉल के जरिए परचेजिंग करवाते हैं। यहाँ पे पीछे आप काउंटर देख सकते हो, ऑफलाइन परचेजिंग हो रही है, मतलब घर बैठे भी घर से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, रहता है ना कि सूरत काफी दूर है, तो जो भी नहीं भी आ सकती ना, आप यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन देख के कि मुझे ये बाय करनी है, मुझे ये कलेक्शन देना है, तो वो घर बैठे ही आपके घर डिलीवर हो जाएगा। अभी ये वाली साड़ी देखिए मैम, प्योर की साड़ी है प्रॉपर हैंडवर्क के साथ, कितनी प्यारी लग रही है साड़ी, लाइट वेट साड़ी है मैम। वाओ, तो कलेक्शन आपको एक से एक भड़के कलेक्शन मिलेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये साड़ियाँ मैं ही ले जाऊँ अपने लिए। बट मैं अपने जो भी मेरे व्यूवर्स होंगे, जो भी मेरी ऑडियंस होगी, जो भी मेरे कस्टमर होंगे, मैं सबके लिए बहुत अभी क्या एक्चुअली मैम सीजन चल रहा है, सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन आने वाला है, और उसी के साथ अभी कितना दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा है, करवा चौथ है, दिवाली है, काफी सारे। सर एक सेकंड, तो ये है हमारी मोस्ट डिमांडेड साड़ी जिम्मी चो, और बहुत इनको चाहिए मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंड में अच्छी भी लगती है साड़ी। मैम सबसे पहले आप इसका वर्क देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी मैम, एक बार इसका बैक पार्ट देखिए आप। यहाँ पे बैक पार्ट पे आपको इस तरह से कुछ धागे दिखाई देंगे, आपको नजर आ रहे होंगे, जब आप फील करके देखेंगे तो मैं आपको एक चीज बता दूँ, ये प्रॉपर हैंडवर्क है। बहुत लोग क्या करते हैं, पेस्टिंग करते हैं, पेस्टिंग करते हैं, लाइक ऐसे यहाँ पे हाँ ग्लू लगा के चिपका देते हैं, तो यह पेस्टिंग वाला काम आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, हैंडवर्क प्रॉपर हैंडवर्क मिलने वाला है, मतलब काम पूरा फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाता है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी, ये लीजिए कैसा लग रहा है मैम, बहुत प्यारा लग रहा है, ओपन करिए। वाओ, यहाँ मैम ब्राइडल साड़ियाँ मिल जाती हैं, इसके अंदर दुपट्टे भी साथ में मिल जाते हैं, जिनके यहाँ लहंगा नहीं पहना जाता, जो साड़ियाँ पहनी जाती हैं वो साड़ियाँ भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ वो मिल चुका। जब जिम्मी चू बोला तो मैं जिम्मी चू लेके आ रही हूँ, कट वर्क में है मैम। ओके ओके, प्रॉपर आपको कट वर्क का आर्टिकल मिलने वाला है, ये देखिए पूरा कट वर्क का डिजाइन मिलेगा इसके अंदर, और नीचे में आपको लहरिया कंसेप्ट के अंदर हैंडवर्क मिलने वाला है। मैं इसको लगा के बताती हूँ तब समझ आएगा, ये देखिएगा इस, ये देखिए है ना मैम प्रीटी, बहुत प्यारी। हम मैम सिर्फ क्वालिटी में डील करते हैं, हमारा मेन पर्पज है बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी बिल्कुल, क्योंकि कल को आज आप यहाँ से परचेसिंग करके लेके जाएंगे, कोई चीज अगर आपको अच्छी लगेगी तो ही तो आपके जो व्यूवर्स हैं वो बाय करेंगे, बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। यस मैम, आपने हमें कलेक्शन दिया था, हमें आपसे ही परचेज करना है, और गाइज आप वापस आओगे तब मैं यहाँ वापस आऊंगी, तो इस वजह से फैब्रिक की क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो गाइज अभी हम आ गए हैं कॉटन की तरफ, बहुत सारी वैरायटी है कॉटन की, यहाँ पे 102 रुपीस स्टार्टिंग रहने वाली है। जी मैम 102 102 लिनन कॉटन साड़ी रहेगी, जरी बॉर्डर रहेगा इसमें आपको,
मलाई कॉटन मिल जाएगा, कोटा कॉटन मिल जाएगा, उसी के साथ सूती कॉटन मिल जाएगा। और एक चीज बताऊं मैम, और आजकल बहुत ज्यादा डिमांडेबल है डिजिटल प्रिंट, आप कहीं भी देखना कुर्तीज आ चुकी हैं डिजिटल प्रिंट की, आ चुकी हैं। तो हम चलते हैं मैम एक और काउंटर में जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली साड़ियों का काउंटर है और पुराने टाइम से बिकता है सॉलिड। इस साड़ी का लुक आप देखिए, पहले बहुत प्रीटी है, पैसल्स मिलने वाले हैं। इसका नाम मैम 1 ग्राम गोल्ड इसलिए है क्योंकि इसमें जो जरी वर्क मिल रहा है ना वो प्रॉपर गोल्डन जरी वीविंग का मिल जाता है। साथ ही ये वूवन वीविंग है मैम, ये थ्रेड वीविंग नहीं है, वूवन वीविंग है। तो ये इस चीज की खासियत है, इसलिए इसको 1 ग्राम गोल्ड टिश्यू बोलते हैं। और फिर नीचे आपको प्रॉपर सिरोस्की डायमंड देखने को मिल जाता है। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है मैम। अब आप पूछेंगे कि साड़ी तो होगी ना 4-5 हज़ार की, मैम यहाँ कितने से स्टार्टिंग होगी? 500 से स्टार्टिंग हो रही है गाइस, 500 से स्टार्टिंग हो जाती है। बट फील सच में बहुत आ रहा है, पैकेजिंग बहुत प्यारी है एंड साड़ी को देख लेते हैं। यस मैम, ये भी बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही है, इसका वर्क बहुत ही एक रहता है नीट एंड क्लीन की समझ आ रहा है क्या वर्क है क्या चीज़ है, तो वो चीज़ बहुत प्यारी लग रही है। बनारसी साड़ी रहने वाली वीविंग में है पूरा, और मेन चीज़ की 800 रुपये से स्टार्टिंग इन साड़ियों की, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सच में मन कर रहा है कि पहले खुद के लिए कर लो। साड़ी बहुत बहुत ही प्यारी है, ये देखिए। आपने कितने की ली थी मैम वो साड़ी? मैम मैंने वो 4000 कुछ है, 4000 की साड़ी कीमत में मिल जाएगी मैम, यहाँ पे आधी कीमत में मिल जाएगी आपको ऐसे कलेक्शन। 4000 सच में 4000 देने नहीं पड़ेंगे, सच में नहीं, बहुत प्यारी लगेगी। ये बहुत प्यारी साड़ी है, सिल्क फैब्रिक के अंदर रहने वाली है क्योंकि सिल्क साड़ी का ही काउंटर है। और यहाँ पे ऐसी और भी बहुत सारी वैरायटीज है, कलर बहुत सारे देखेंगे। कुछ कुर्तीज के कलेक्शन, रेडीमेड कुर्ती के कलेक्शन अभी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए, आपको मिलने वाला है इसका बॉटम, वो भी आप देखिए बहुत प्रीटी बॉटम है। बॉटम और इसके पीस की बात करूँ तो मैम यहाँ पे आपको 3 पीस सेट मिल रहा है पूरा। ये इसका दुपट्टा, एक बार आप दुपट्टा देखिए, डिजिटल प्रिंट का दुपट्टा है, साथ ही इसमें ऑर्गेन्जा फैब्रिक आपको मिलने वाला है। साइड में जो आपको बॉर्डर मिलेगा वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे थ्रेड वर्क का बॉर्डर मिलेगा। लेंथ और विड्थ आप देख सकते हैं प्रॉपर रहने वाला, फुल लेंथ फुल विड्थ का दुपट्टा आपको मिल जाता है। मैम यहाँ स्टार्टिंग कितने से होगी? 79 मैम, 79 अनारकली चिकनकारी यानी कि लखनवी के अंदर फुल फ्लेयर मिलेगा आपको इसके अंदर। फ्लेयर घेर देखिए गाइस इसका, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये देखिए। और इसके अंदर आपको लाइनिंग मिल जाती है, सेम दुपट्टा मिलेगा, बॉटम मिलेगा, वर्क इस पे आप देख रहे हो ऑर्गेन्जा के ऊपर आने वाला है, जो वर्क आप देख रहे हो ऑर्गेन्जा के ऊपर मिलने वाला है। ये है मैम साइज XL, और इसके अलावा आपको इसमें और भी साइज मिल जाएंगे। इस सूट पे सबसे पहले मेरी नजर गई थी मैम ये वाला जरूर दिखाना, क्योंकि पिंक कलर सबको पता है मेरा फेवरेट है, तो मेरा दिल आ गया इस वाले सूट पे गाइस, सच में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। आर्टिकल है इसमें भी आपको यहाँ पे हैंडवर्क का डिजाइन मिलेगा, इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉबर, ये पैडेड सूट है पूरा। हाँ, पैडेड रहेगा मैम, ये दुपट्टा पैडेड रहेगा, और ये इसमें दुपट्टा रहने वाला है। दुपट्टे पे पूरे पे आपको गोटा पत्ती का वर्क मिल जाएगा बॉर्डर पे, और इसके अंदर आपको छोटे छोटे सीक्वेंस मिल सकते हैं। हम वहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ ट्रॉली खाली हो चुकी है दोस्तों, तो नया स्टॉक आ रहा है, अगर आप भी लेना चाहते हो ले लीजिए। अब यहाँ पे हम पहले कॉटन देखते हैं। मैम सबसे पहले खोलने से पहले एक चीज जानना चाहूंगी कि यहाँ पे कितने से स्टार्टिंग हो जाती है? लाइक ये सूट 78 से हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी। सो गाइस मेन चीज़ है प्राइस पे ध्यान देते जाना, जो चीज़ हम देखते जा रहे हैं प्राइस। ये देखिए मैम, ये डेली वेयर के लिए बहुत ही प्यारा है, डेली वेयर का आर्टिकल है जो कि बहुत ही प्रीटी है कंसेप्ट। ये भी कॉटन फैब्रिक है मैम, ये वाला आर्टिकल देखिए, डिजिटल प्रिंट है, यहाँ पे नेक पे वर्क मिलेगा थ्रेड का, और साथ ही आपको सिरोस के डायमंड मिल जाए के साथ होता है। अब ये वाला आर्टिकल देखिए जिस पे आपकी नजर अटकी, मेरी नजर अटकी हुई है बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक के अंदर प्रॉपर हैंडवर्क है जरदोशी का, ये जरदोशी वर्क है मैम। जिसकी रेंज की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आज आप कहीं रिटेल शॉप में जाते हैं जरदोशी वर्क आपको मिलता है 4000 से स्टार्टिंग रेंज के अंदर, ये रियल फैक्ट है मैम। और यहाँ आपको 1000-1200 रुपए की स्टार्टिंग रेंज में आपको जरदोशी वर्क में इस तरह से प्रॉपर हैंडवर्क के कलेक्शन मिल जाएंगे। और मैम हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी भी आपको 1000 की स्टार्टिंग में मिल जाएगा, और इस टाइप के सूट अपने 1000 रुपए के स्टार्टिंग में, और मार्केट के अंदर मैम ये बिकता है आराम से 4000 रुपए, 4000-5000 में बिकता है। ये वाला आर्टिकल देखिए जॉर्जेट फैब्रिक पे है, बहुत प्यारा डिजाइन दिया गया है, नीचे भी आपको प्रॉपर लहंगा मिलने वाला है, और उसमें आपको नीचे कैनकन मिल जाती है हैवी, ये देखिए इसमें भी आपको हैवी कैनकन मिलने वाली है। दुपट्टा आप देख सकते हैं बहुत प्रीटी वर्क में मैम, इनकी स्टार्टिंग कितनी? 680 में, 680 यस मैम। अब तो चलिए मैम अब बढ़ते हैं हम एक और काउंटर की तरफ जो रहने वाला है लहंगे का काउंटर, जो होता है सबसे महंगा और मोस्ट डिमांडेड। नहीं महंगा नहीं है मैम, यहाँ नहीं है महंगा, यहाँ पे आप देखिए आपको सेलिब्रिटी पैटर्न लहंगा मिल जाएगा, बहुत ही प्रीटी लहंगा रहने वाला है जिसमें आप देख रहे हो प्रॉपर हैंडवर्क मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो मैम पहले वाला लहंगा जो रहने वाला है गोल्ड क्रश फैब्रिक पे, ये गोल्ड क्रश फैब्रिक है, सिक्वेंस वर्क है, नीचे प्रॉपर आप हैंडवर्क का डिजाइन देख सकते हो मैम। इनकी स्टार्टिंग कितने से हो जाएगी? 680 मैम,
680 only. Yes, only 680 rupees. हमारे यहाँ पे ब्राइडल 2000 से स्टार्टिंग है मैम. ये वाला वेलवेट में मिलेगा आपको. और वेलवेट की बात की जाए तो लहंगे के अंदर सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का वेलवेट है 11000. और आप तो जानते ही होंगे जो बिजनेस करते हैं, जिन्होंने शॉपिंग कर रखी है पहले से, उनको पता होगा. और एक चीज मैम, अगर किसी को सिंगल लहंगा परचेज करना हो तो 10,000 से 15,000 की रेंज के ऊपर आप सिंगल लहंगा ले सकते हो. हमारे यहाँ पे हाई रेंज रहती है सिर्फ 30,000 से 35,000 रुपए, जिसकी मार्केट वैल्यू रहती है दोस्तों 1 से 1.5 लाख रुपए. तो देखो वर्क आप लोग देखो समझो कितना प्यारा है गाइस. मैं कितनी तारीफ करूँ, उतनी कम है इस चीज़ की. बट आई लव दिस लहंगा. सारे पूरा हैंडवर्क मैम लगा के दिखाइए यार. ऐसे ये देखिए गाइस, कैन कैन अच्छा है इसका, वो पूरा लुक आ रहा है ये देखिए. तो गाइस ये देखिए, दुपट्टे बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लहंगे पसंद आए हैं. अगर आप लोग को भी जल्दी से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, यहाँ पे आइए अजमेरा फैशन सूरत में. बहुत ही प्यारा है. यस, आई होप आपके व्यूअर्स को भी लहंगे बहुत पसंद आए होंगे. काउंटर्स है अभी अपना, जैसे कि किड्स वेयर है, मेंस वेयर है, अपना जो ब्लाउज पेटीकोट वगैरह भी मिलता है मैम यहाँ पे. मैचिंग सेंटर अगर किसी को ओपन करना हो तो हमारे पास ब्लाउज पेटीकोट थान वो सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे, स्टिच और अनस्टिच दोनों. अस्तर फॉल जितना भी सारा कुछ होता है, दुपट्टे मिल जाएंगे. दुपट्टे के अलावा यहाँ पे आपको साड़ीज में तो हम देखते ही आए हैं कि बहुत सारी वैरायटीज थी, कलेक्शन बहुत सारे हैं. बट एक ही वीडियो में सारे कलेक्शन दिखाना आई डोंट थिंक मैम पॉसिबल होगा अपने लिए भी. तो अगर बाकी सब कलेक्शन देखना है तो विजिट कीजिए ना एक बार, आइए. तो गाइज मैंने तो विजिट कर लिया है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड. सूट साड़ियाँ मतलब एक से एक बेस्ट कलेक्शन है. और आपको भी एक बार मैं ये कहूँगी विजिट ज़रूर करें, क्योंकि एक चीज़ रहती है हमने फ़ोन में देखी, एक बार आप यहाँ पे आके विजिट करोगे ना काफ़ी सारे आइडियाज़ आएंगे और चीज़ें समझ आएंगी कि हमें इस चीज़ में बढ़ना है आगे. तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि एक बार सूरत आएँ और अजमेरा फैशन विजिट करें मेरी तरह. मुझे बहुत मज़ा आया, आपको भी आई होप ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरी नई जर्नी भी बहुत अच्छी लगी होगी. और थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग. बाय बाय एवरीवन.